गया, और विड्रोवल हुआ तो क्या हो गया, माइनस। अगर हम डिपॉजिट किए तो वो प्लस हो गया, और अगर हम विड्रोवल किए तो माइनस हो गया। अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो गया, और अगर हमको लॉस हुआ तो माइनस हो गया। ये आपको बताया गया था। देन उसके बाद आपको बताया गया था कि वर्कशीट वन में जितने भी कंडीशंस है उसको बताया गया था, नेगेटिव को बताया गया था। फिर इंटीजर के बारे में बताया गया था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। माइनस वन इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड वी कैन नॉट फाइंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड ए स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद आपको बताया गया था, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया गया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। थ्री का एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री होगा और माइनस थ्री का भी एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री ही होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बता दिया गया था। ये सारा प्रीवियस क्लास का रिवीजन है। देन आफ्टर वी स्टार्ट वर्कशीट टू। तो वर्कशीट टू का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कल आपको करवा दिया गया था। 4 तक कल हुआ था, देखिए बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल आपको करवा दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कल एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफिनेशन लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफिनेशन क्या लिखवाए थे, पॉजिटिव वैल्यू। हेयर क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 2 इंटीजर इंटीजर और हेयर एब्सोल्यूट वैल्यू। इंटीजर हो गया 17 माइनस 18, 0 माइनस 43, 21 माइनस 105 माइनस 61 एंड 1283। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 17 का क्या हो जाएगा, 17 माइनस 18 का 18, 0 का 0 माइनस 43 का 43, 21 का 21, 105 माइनस 61 प्लस 61, 1283 का 1283। एनी प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत है? ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा से शुरू करेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो आप देखिए उसका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सिक्स का ए में है 4 माइनस 5, 16 माइनस 11 माइनस 21, 50। इसको हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स सबसे छोटा, इसमें जो सबसे छोटा है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे।
लिखेंगे पे, सबसे छोटा कौन होगा? नेगेटिव वाला होगा। तो नेगेटिव का तीन नंबर है यहाँ पर, -5, -11, -21। इन तीनों में सबसे छोटा क्या होगा? नेगेटिव में जो डिजिट बड़ा होता है वो एक्चुअल वैल्यू उसका छोटा होता है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? -21। -21 है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर इस ग्रुप में -21। ओके, उसके बाद क्या होगा? -11, उसके बाद -5। ये हो गया नेगेटिव का। नेगेटिव में जो डिजिट बड़ा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ये सबसे छोटा है, फिर इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है। इसके बाद 4 और 50 में, इससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 16 है, उससे बड़ा 50। ये आपका हो गया एसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज एसेंडिंग ऑर्डर। इसको ऐसा भी लिख सकते, -21 ग्रेटर देन -11 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 16 और ग्रेटर देन 50। 50 सबसे बड़ा एंड -21 सबसे छोटा। दिस इज एसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का ए, -171, 26, -43, 103, -105, 77। अब इसमें क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा। तो बड़ा तो पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा क्या है? 103। तो 103 सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद 103 के बाद हो जाएगा 77, एंड 77 के बाद हो जाएगा आपका 26। ये तीन नंबर हो गया। यहाँ नेगेटिव का तीन नंबर है, -171, -43 और -105। ये तीन नंबर क्या है इसमें आपका? 1, 2, 3। ये तीन नंबर आपका है माइनस में। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा इसमें होगा जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है? -43। ये हो जाएगा -43। फिर इससे बड़ा कौन होगा? -105। और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो होगा -171। ये आपका हो गया एसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 6 का ए हम बताए हैं, 6 का बी आप बनाइए, 7 का ए बताए हैं, 7 का बी बनाइए। 2 मिनट्स, 2 मिनट का समय है, आप ये दोनों बनाइए, 6 का बी और 7 का बी। देन आफ्टर वी डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स। 2 मिनट्स के अंदर इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का समय दिए हैं, उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम बॉय एंड गर्ल्स? एनी प्रॉब्लम? नो सर, आदित्य रॉय बता रहा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है 6A का। ओके गुड, अभी तक आप लोग एडिंग हो रहे हैं। सात्विक सिंह, नो प्रॉब्लम सर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 बताए। 5 तो अभी बताए बेटा। 5 में क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। जैसे आपका बुक में पहला है 17, तो 17 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 17। -18, तो -18 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 18। यानी इसमें साइन नहीं रहेगा। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -43 का 43। अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड, डन सर, ओके। याद रखिए कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू जिसमें साइन न हो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में साइन नहीं लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वही होता है, एसेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रू है या फॉल्स है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ट्रू है या फॉल्स है? डन से मतलब ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो भी आपका इंटीजर होता है। और यू नो दैट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, पहला स्टेटमेंट था एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, बिकॉज इसमें जीरो को नहीं लिया गया है। इंटीजर में हम लोग क्या जानते हैं? पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एलोंग विथ जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जब जीरो होता है तब जाकर के वो आपका हो पाता है। नेक्स्ट है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है या फॉल्स है? जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यस एब्सोल्युटली राइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम लोग क्या जानते हैं? जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर इंटीजर एंड जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इस स्टेटमेंट के बेस पर एक बी ऑफ बी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। तीसरा, ओके वेरी गुड। तीसरा, एन इंटीजर टू द लेफ्ट टू अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट, लेफ्ट का इंटीजर हमेशा छोटा होता है। तो आपको नंबर लाइंस पे बताया गया है, इन दिस नंबर लाइंस दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इसमें क्या बताया गया? कि जितना राइट में हम रहेंगे राइट में बड़ा होगा और लेफ्ट में छोटा होगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर जो सी है ये क्या है? एन इंटीजर टू द लेफ्ट टू अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर, ये क्या है? ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट है वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये क्या होगा? वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? नेगेटिव में, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ए गिवेन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है हमेशा गिवेन इंटीजर से बड़ा होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इक्वल भी होता है। जैसे 4 है तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 4 4 4 से बड़ा क्या होगा? इक्वल होगा ना, तो ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऐसा नहीं। हाँ नेगेटिव साइन में रहेगा, अगर -4 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, तो 4 इज ग्रेटर देन -4, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में से ट्रू फॉल्स रटना नहीं है, उसको समझना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे मैच करेगा तो ट्रू, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स? ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज ट्रू। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ट्रू हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितना भी होल नंबर है सारा इंटीजर है, यस ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3, दिस इज रॉन्ग।
का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस थ्री नहीं होगा, उल्टा है, माइनस थ्री का एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री होगा, माइनस थ्री का एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री होगा। यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री इज माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट वन एंड वर्कशीट टू बनाए थे और अभी हम लोग वर्कशीट टू को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इसमें है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस कर रहा है, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, हेयर ऑपरेशंस मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड वी नो दैट फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, फर्स्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल, वन बाय वन डिस्कस। हियर फर्स्ट वी डिस्कस एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को ऐड करेंगे। तो हेयर एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, फर्स्ट वी डिस्कस इन दिस प्रोसेस इन नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए, इसके लिए हम लोग वर्कशीट थ्री क्वेश्चंस नंबर वन, दिस इज नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, हियर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, हियर यूज द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर विच इज, नंबर लाइन का यूज करके बताना है कि नंबर कहाँ होगा। ए थ्री मोर देन फोर, थ्री मोर देन फोर, फोर से थ्री ज्यादा, फोर से थ्री ज्यादा है, आपको पता है कि नंबर लाइन पे जब हमको ग्रेटर बनाना है, करना है, ज्यादा करना है, इधर जाएंगे राइट साइड, ज्यादा है तो राइट साइड में और कम है तो लेफ्ट साइड में, तो फोर से 3 बढ़ गए, क्या हो गया 7। ओके, 5 लेस देन 1, 1 से 5 कम करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, राइट साइड में, इट इज क्लियर। जब भी हमको लेस देन करना होगा तो लेफ्ट साइड में आएंगे और ग्रेटर देन करना होगा तो राइट साइड में, ये नंबर लाइन का प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप लोग जानते हैं, समझते हैं, कल से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें और भी क्वेश्चन से तो बना लीजिए, 7 लेस देन 0, 0 से 7 छोटा, तो 0 से जब 7 छोटा है इट मीन्स लेफ्ट साइड में आएगा, 0 से 7 छोटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से 7 छोटा मतलब -0। ये है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, फर्स्ट में क्या था, 3 मोर देन 4 7 आया, ये क्वेश्चन नंबर ए है। एंड नेक्स्ट था 5 लेस देन 1, ये है क्वेश्चन नंबर बी, ए बी और एफ आपको बता दिए, रिमेनिंग जो 4-5 क्वेश्चन है उसको आप 1 मिनट के अंदर अपने क्लास पर कॉपी में बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर लाइन पे ग्रेटर और लेस के लिए हम क्या करते हैं। ग्रेटर मीन्स
ऑलवेज राइट साइड पे जाएंगे और लेस मीन्स लेफ्ट साइड में। ये नंबर लाइन का बेसिक प्रॉपर्टी है, ये नंबर लाइन का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो 1 या 2 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर वी डिस्कस एडिशन, जो पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ इंटीजर। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? वन या टू मिनट्स। एनी प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? चैट बॉक्स शुरू बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हो गया ये? नो सर। नो, वंशिका सिंह बोल रही है, नो सर। और कोई? आदित्य रॉय भी बोल रहा है नो सर। 6A की बात हो रही है, 6D का बच्चा नहीं जुड़ा है जी, दोनों के कंबाइंड क्लास है ना ये। ऋतिका कुमारी नो सर। किसी राज नो सर। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन को डिस्कस करने के लिए हम वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का यूज करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन एंड दिस इज 0 ओरिजिन। हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अपोजिट साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड यू नो दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड ऑल आर इक्वल। ये आपको पता है, 0 से 1 के बीच अगर यूनिट डिस्टेंस है तो वही यूनिट डिस्टेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। सेम 0 से 1 के बीच जो यूनिट डिस्टेंस है वही यूनिट डिस्टेंस 0 से -1 के बीच होगा, वही डिस्टेंस -1 से -2 के बीच होगा। अब हमको ऐड करना है 8 प्लस -3। हमारा क्वेश्चन है 8 प्लस -3। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमको 8 करना है प्लस, तो प्लस के लिए किधर जाएंगे? प्लस के लिए हम लोग किधर जाएंगे? चैट बॉक्स में बताइए, प्लस के लिए किधर जाएंगे हम लोग, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बॉयज एंड गर्ल्स यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड, प्लस के लिए हम लोग किधर जाएंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, गुड आंसर। तो +1 है, ध्यान देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 6, 7, 8, हम लोग +8 पे पहुंच गए। इसका वर्क हो गया +8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहुंच गया। नेक्स्ट क्या है? -3। माइनस के लिए क्या होगा, लेफ्ट की राइट? माइनस के लिए लेफ्ट होगा कि राइट होगा? माइनस के लिए लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा, गुड आंसर एंड राइट आंसर। तो माइनस के लिए लेफ्ट, तो यहां से पहुंचे, यहां से कितना स्टेप आना है? 3, 1, 2 एंड 3। कहां पहुंचे फाइनली? 5 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स थ्रू नंबर लाइंस।
नंबर लाइन एडिशन तो आप पहले से जानते हैं, हाँ इंटीजर का एडिशन ही जानते हैं, और एक इंटीजर का एडिशन को नंबर लाइन के थ्रू, इंटीजर का एडिशन नंबर लाइन का थ्रू है। हियर प्लस 8 प्लस माइनस 3, वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 8 इज पॉजिटिव, देन वी राइट साइड गो ऑन राइट साइड, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट स्टेप, हम एट स्टेप पे खड़े हैं। अब क्या करना है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का मतलब क्या हो गया, तीन स्टेप इधर आ जाएंगे, वन टू एंड थ्री, जहां पे हम पहुंच गए वो हमारा आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब नेक्स्ट है आपका क्या, माइनस सेवन प्लस टू, दूसरा क्वेश्चन माइनस सेवन प्लस टू। अब देखिए माइनस सेवन का मतलब स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है बॉयज एंड गर्ल्स, हमको स्टार्ट कहां से करना है इस क्वेश्चन में, एडिशन में स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, चैट बॉक्स में लिखिए, तो ना समझेंगे आपको समझ में आ रहा है, राइट इन चैट बॉक्स कि हमको माइनस सेवन प्लस टू करना है तो स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट में जाएगा माइनस प्लस टू, आई एम एग्री विथ यू, बट स्टार्ट कहां से करेंगे, हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट का, रितिका वैष्णवी हम समझ रहे हैं कि लेफ्ट में जाएगा, यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि लेफ्ट में जाएगा, लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, राइट लेफ्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हम जीरो से करेंगे, बार बार बता रहे हैं, हाँ अभी सही आंसर आया रुद्र कुमार रॉय का, स्टार्ट हम जीरो से करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहां से करेंगे, उसका आंसर है कि जीरो से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि माइनस सेवन है तो किस साइड जाएंगे, तो इसका आंसर है कि हमको लेफ्ट पे जाना होगा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे माइनस सेवन, किस साइड में जाएंगे, विच साइड, हम जाएंगे लेफ्ट में विदाउट ए नेगेटिव, तो स्टार्ट हो गया जीरो से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पहुंचे हुए हैं माइनस सेवन, उसके बाद क्या है प्लस टू, प्लस टू का मतलब अब राइट जाएंगे जहां पर है माइनस फाइव पे, इसका हो गया माइनस। ओके अभी हम इंटीजर का फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन ऑफ इंटीजर सीख रहे हैं थ्रू नंबर लाइन, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस फाइव एंड माइनस फोर, इस नंबर लाइन की रेस करते हैं, एक नया नंबर लाइन, दो क्वेश्चन के नंबर लाइन है, आपने अपने क्लास वर्क कॉपी में इसको नोट कर लिए, क्लास वर्क कॉपी में इसको नोट कर लिए, इसको इरेज कर देना, इरेज करके न्यू नंबर लाइन बनाएंगे, यस ओके। दो क्वेश्चन हम बताएं, हम शुरू में दो तीन क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ये बेसिक है, नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस, उससे पहले हम एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये ओरिजिन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, हेयर माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन, हमारा क्वेश्चन क्या है माइनस फाइव प्लस माइनस फोर, तीसरा क्वेश्चन है माइनस फाइव प्लस माइनस फोर, तो माइनस फाइव है, स्टार्ट कहां से होगा, फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, यह स्टार्ट कहां से होगा बेटा, चैट बॉक्स में बताइए, जीरो से, तो
पहला क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। दूसरा क्वेश्चन -5 है तो किस साइड में हम जाएंगे? -5 स्टार्ट जीरो से होगा राइट आंसर। और बस वंशिका बोल रही है लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। -5 है तो लेफ्ट साइड में, यहां से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 यहां पहुंच गया। प्लस कितना है? -4। और लेफ्ट पे जाएंगे कितना? 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 कहां पहुंच गया है? -9। इसका आंसर हो गया -9। क्या हो गया आंसर? -9। एक क्वेश्चन है डी, -2 + 1 - 2। डी है -2 + 1 - 2। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे? स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। -2 है, इसका मतलब किधर आएगा? इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये हो गया 1 2, यहाँ आ गया -2। फिर क्या है? +1 है, फिर कहाँ जाएगा? एक स्टेप राइट में जाएगा। फिर क्या है? -2, फिर 2 स्टेप लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये -3। इसका रिजल्ट हो गया -3। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग एडिशन कर सकते हैं, नंबर लाइन पर एडिशन हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते। तो आप आज एडिशन सीख लिए। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ऐड करना है विदाउट नंबर लाइन। नॉर्मल जो इंटीजर्स ऐड करते हैं उसको ऐड करना है। ऐड में आपको ये समझ लेना है कि प्लस और माइनस है या माइनस और प्लस है, तो इसमें प्रोसेस जो होगा वो माइनस का होगा और साइन वही लगेगा जो बड़ा है। माइनस प्लस या प्लस माइनस, प्रोसेस क्या होगा? माइनस का। साइन किसका होगा? जो बड़ा। दूसरा है, अगर दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है तो प्रोसेस क्या होगा? प्लस का। दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, और दोनों माइनस में है तो भी प्लस होगा। और दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, लेकिन साइन किसका होगा? प्लस का। और दोनों माइनस में है तो भी प्लस होगा, लेकिन साइन किसका होगा? ओके, ये बात समझ में आ रही है? इस पे और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ माइनस प्लस ही मेन है। ये माइनस प्लस का सिंबल अगर दिमाग में आसानी से बैठ गया, कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, ये सारा सिंबल बैठ गया। एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो उसको हमारा इंटीजर का ऑपरेशंस आसान हो गया। तो इंटीजर के ऑपरेशंस का एडिशन हम लोग अभी सीखे हैं, और रिमेनिंग जो है। हाँ, यस 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 माय डियर यस, इसको हम क्लास में फिर से समझा देंगे। ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, बेसिक चीज है, इसको तो हम बार बार समझाएंगे आपको। जब तक आप बोलिएगा तब तक समझाते हैं। अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में जो डिस्कस हुआ उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो अपने और भी जो मित्र हैं, अपने और जो दोस्त हैं जो नहीं जुड़े हैं, उनको मोटिवेट कीजिए कि ऑनलाइन क्लास में चलिए, वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग करिएगा ना मोटिवेट।